अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय फ्रेंड्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली काफ़ी ठीक होगी। फिर आपका भाई लेके आ चुका है, कार ऑक्शन है, वरंगल में ऑक्शन है, काफ़ी गाड़ियां वहां पर अवेलेबल्स है, जो रोड भर्ती के भी है, नॉन रनिंग में भी है। जो कोई इंटरेस्टेड है वरंगल के है तो वहां से ले सकते हैं, या वरंगल के करीब वाले कोई है तो जाके आप वरंगल से कार ख़रीद सकते हैं। गाड़ी का जो प्रोसीजर जो नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि 20,000 रुपीज़ एंट्री फ़ीस होती है। गाड़ी ख़रीदने में आप इंटरेस्टेड है तो आपको 20,000 रुपीज़ एंट्री फ़ीस देना पड़ेगा, जिसमें आप दो कार ख़रीद सकते हैं। वो सिर्फ श्योरिटी अमाउंट है, जैसा कि आप गाड़ी ख़रीद लेंगे, आप बाद में नहीं लेंगे तो 20,000 रुपये आपके फोरफिट हो जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे। तो खाली देखने के लिए कोई जाना चाह रहा तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। नॉर्मली ऑक्शन में जाके बैठ के देख के आ सकते हैं, फर्स्ट टाइम पे या सेकेंड टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि ऑक्शन क्या होता है, कैसे लेते हैं गाड़ी, क्या प्रोसेस होता है। तो स्टार्टिंग में कोई देखने के लिए भी जा रहा तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। जो ख़रीदने में कोई इंटरेस्टेड है तो 20,000 रुपये पे करे बाती आप, बिटर कोड आपको मिलेगा, बिटर कोड मिलेगा तो आप उसके हिसाब से गाड़ी ख़रीद सकते हैं। श्योरिटी अमाउंट है वो, जैसे कि गाड़ी खरीदने के भाई आपको फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी लेने से पहले अच्छे से देख लिया करो गाड़ी क्या कंडीशन है, चालान है नहीं है, कौन से स्टेट की है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, कितना चालान है, बॉडी एक्सीडेंट है नॉन एक्सीडेंट है। आपको नॉलेज होगी तो आप जाके ले सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो आपके कोई दोस्त को है तो लेके जाके लिए, क्योंकि कोई गारंटी वारंटी अपने को मिलती नहीं है। श्रीराम का फाइनेंस है ये, तो आपको ख़ुद को ही देखना पड़ता है, देख के ले लीजिए, पेपर्स का कोई मसला नहीं है। कोई गाड़ी का RC ओरिजिनल रही तो मिल जाएगी, नहीं तो श्रीराम की तरफ से फॉर्म 36 फॉर्म मिलेगा, वो कोई भी आप RTO में तेलंगाना के कोई भी RTO में सबमिट करके आप फ्रेश RC ले सकते हैं। उसके लिए कोई 7,000-8,000 के ऊपर चार्जेस है उसका फ्रेश RC कार्ड निकालने के लिए, वो फाइनेंसर के नाम पे होगी, फिर अपने नाम पे आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेपर का कोई मसला नहीं है, बस गाड़ी देख समझ के लीजिए क्या कंडीशन है क्या नहीं है। नॉन रनिंग गाड़ियाँ बहुत रहते हैं उसके चक्कर में मत जाइए, जो रनिंग गाड़ी आपके सामने आती है उसको अच्छे से देख लीजिए, चालान वगैरह चेक कर लीजिए, करके करा के लीजिए। रेगुलरली हैदराबाद के भी कार ऑक्शंस आने वाले हैं, बहुत दिन से मैं नहीं रहा था, इंशाल्लाह रेगुलरली आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो जिसको नॉलेज है वो जाके लीजिए, परेशान मत होइए, कम से कम रेट में लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट से कम रेट में आपको मिली तो आप लियो, नहीं तो आप आ जाइए वापस, ज़्यादा रेट में ले लेके परेशान मत होइए। कम से कम आपको बेटर प्राइस में मिलता है, मार्केट से 80,000 रुपये कम होता है। पेपर खर्चा करके गाड़ी के पीछे आप 40-50,000 बच रहे हैं, या कम रेंज के गाड़ियाँ ले लिया, 50,000-60,000 की ले लिया, गाड़ी के पीछे 20-25,000 मिल रहे हैं, तो आप काम कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी यूट्यूब फैमिली का किसी का भी लॉस हो, तो देख समझ के लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो आप लोग जाते हैं गाड़ी देखते हैं लेते हैं, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देख करके लीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कोई भी नॉर्मली लोग हैं जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी के पास थोड़े बहुत पैसे, दो फ्रेंड्स मिलके भी चाहे तो आप छोटी छोटे गाड़ियाँ स्टार्टिंग प्राइस आपको नॉर्मली इंडिगा वगैरह भी मिल जाती है श्रीराम में, दो टैक्सी प्लेट के या लाइफ टैक्स के गाड़ियाँ जो थे 25,000-30,000 में मिल जाती है, थोड़ा रफ रहते हैं, लेके भी उसको काम करा के पेपर बना के भी आप बेच सकते हैं। या कोई दूसरे कम मॉडल के वैन गाड़ियाँ हैं, जैसा कि फॉर्ड आइकॉन है, फ्यूस्टा है, तो ये गाड़ियाँ आपको 40,000-50,000-35,000 के रेंज में मिल जाती है। 30,000 तक भी आपको फोर्ड फ्यूस्टा 2007-2006 की गाड़ी 30,000-35,000 के रेंज में मिल जाती है, तो लेके आप काम करवा के साफ़ सफाई करा के बेच सकते हैं। तो लेने से पहले देख करके लीजिए इंजन क्या है, क्या कंडीशन है, क्या है, आपको नॉलेज है तो चेक कर लीजिए। आने वाले हर वीडियोस आपके संगात आते रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी दुआ, आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की, अब आपका भाई वापस आ चुका है, रेगुलरली इंशाल्लाह वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। दुआ में याद कीजिए, अल्लाह हाफिज़। You on the run, travel, dancing, I don't know what you are, you are, you are.
addicted to light.